नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो एक बड़ी घटना थी। जम्मू कश्मीर के एकीकरण में वो एक अंतिम कदम था, जब जम्मू कश्मीर का जो अधिमिलन 26 अक्टूबर 1947 को होने के बाद अधिमिलन पूर्ण था, लेकिन उसके बाद जो एकीकरण की प्रक्रिया थी, जो शुरुआत 1947 में हुई थी, उस वो एकीकरण की प्रक्रिया 5 अगस्त 2019 को संपूर्ण हुई, खत्म हुई। लेकिन इस पूरे लगभग 70 सालों में इस एकीकरण के प्रक्रिया में बहुत लंबा संघर्ष हुआ, सैकड़ों हजारों लोगों ने बलिदान दिया। आज उन वीर सपूतों को याद करने का समय है। हमें अपने इतिहास को खंगालना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, ताकि आगे हम भविष्य की बेहतर रणनीति तैयार कर सकें। इन्हीं वीर सपूतों के बलिदान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी, जो कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं, एक पर्यटन टूरिज्म से संबंध में एक जाने माने व्यवसायी हैं, और पिछले लगभग 2 दशकों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खिलाफ जो राजनीति, जो आंदोलन चला, उसमें बेहद सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। और चूंकि वो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, तो न सिर्फ जम्मू क्षेत्र में बल्कि कश्मीर क्षेत्र में ही उनकी अच्छी खासी पहच है। वो वहां के बिजनेस को, वहां की जो सामाजिक तानाबाना है, उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर हम इस एकीकरण की प्रक्रिया को इतिहास में जाकर देखें, तो जब अधिमिलन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया जो कबालियों के भेष में, लेकिन जी एक और जंग चल रही थी शेख अब्दुल्ला की, जो पूरी राजनीति थी उसके खिलाफ भी, वो भी कहीं ना कहीं एकीकरण के खिलाफ खड़ी थी। इस बलिदान की, ये कहें कि इस जो जो कहीं ना कहीं संघर्ष, उसकी शुरुआत को आप किस तरीके से, कहां से देखते हैं? अधिमिलन से पहले से आप देखना चाहेंगे, अधिमिलन के तुरंत बाद कैसे शुरुआत करेंगे आप इस कहानी की? देखिए, मैं इस कहानी को इस ढंग से देखता हूं कि कुछ लोगों का माइंडसेट 1947 के पहले से इस तरह का हो गया था कि जैसे इस क्षेत्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। महाराजा के शासन के खिलाफ जाकर के कश्मीर में एक पार्टी की स्थापना होती है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से, और उनका ध्येय व्यक्तिगत होता है संस्थापकों का, जी समाज समाज को प्रवोक करना, शासन सत्ता के खिलाफ उनको भड़काना और व्यक्तिगत उत्थान अपना, समाज का नहीं, अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए उसका उपयोग करना। उस तरह का एक माइंडसेट उस पीरियड में डेवलप हुआ। उसको शह दी, उसको नर्चर किया। उस वक्त के जो राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे कुछ लोग थे, उन्होंने उन्होंने भी अपनी व्यक्तिगत अहम को लेकर के, उनके व्यक्तिगत टकराव जो उस वक्त के रूलर्स थे जम्मू कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह, उनके साथ, उनको भुनाने के लिए और सेटल करने के लिए उन ताकतों का इस्तेमाल किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसी एक पार्टी यहां पर जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे करके उसको नेशनल पटल में एक्नॉलेज करवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया जाता है। महाराजा को किसी किसी स्टेज पे अलग अलग ढंग से फोर्स किया जाता है वो बातें मानने के लिए, और एक समय आता है कि जब उस पूर्ववर्ती मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को, शेख अब्दुल्ला, जिसका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसको महाराजा का प्राइम मिनिस्टर भी बनवाया जाता है, और उस प्रिंसली स्टेट के महाराजा का, जहां पर के विधानसभा पहले से मौजूद थी, भारतवर्ष की जो अन्य प्रिंसली स्टेट्स थी वहां विधानसभा मौजूद नहीं थी, जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट थी जहां पर विधानसभा थी और उसको प्रजा सभा कहते थे,
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में। तो डेमोक्रेसी यहां पर पहले से थी, महाराजा के समय भी थी। और वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल्ला, जिनको के जबरदस्ती पंडित नेहरू ने उस वक्त एस्टेब्लिश करवाया एज प्राइम मिनिस्टर, उनके माध्यम से कुछ मनमानियां करवाई गई। वो मनमानियां कैसी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो केंद्र सरकार में बननी थी, वहां हमारे चार प्रतिनिधि जाने थे, और चार प्रतिनिधियों में वहां पे जो प्रिंसिपल था उनको भेजने का, कि दो प्रतिनिधि नॉमिनेट करके जाने थे यहां पे महाराजा के द्वारा, और दो प्रतिनिधि चुन करके जाने थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ। लेकिन ताना बाना ऐसा बुना गया कि शेख अब्दुल्ला के रिकमेंडेड चार प्रतिनिधि महाराजा के द्वारा वहां पर नॉमिनेट करवा के भिजवाए गए, और उसके लिए वहां पे अमेंडमेंट भी की गई केंद्र के कानून में। तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी इधर से शेख अब्दुल्ला की और उधर से पंडित नेहरू का अहम, कि हमने महाराजा को कॉर्नर करना है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरवाद की लालसा छुपी हुई थी। और जिसको हम 1947-48 के कबायली अटैक के रूप में देखते हैं जी, क्योंकि मैं इस एरिया का बड़ा सारा परिचित हूं, और विभाजन की प्रक्रिया के दौरान जो हादसे हुए, जो परिवार वहां से माइग्रेट होकर के आए, अपने परिवारों में भी बहुत सारे सदस्य वहां से माइग्रेट होकर के आए हैं, उन सबके दर्द को नजदीक से जाना है और इनकी साइकोलॉजी को भी बड़ी नजदीक से जाना है। तो मेरी समझ में ये आता है कि एक डिवाइड पैदा हो गई थी 47 से पहले ही बिटवीन कश्मीरी स्पीकिंग पीपल एंड बिटवीन पंजाबी डोगरी स्पीकिंग पीपल। और कश्मीरी और पंजाबी वालों में ये नहीं था कि वो हिंदू और मुसलमान की डिवाइड थी, वो डिवाइड जो थी कश्मीरी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम्स और इवन पंजाबी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम्स में थी, मैं भी थी। और अगर आप 1947 की जो इनिशियल जो एक्सेशन है बिफोर द अटैक ऑफ कबाइलीज वो देखें, तो पुंछ का जो एरिया वहां पर हमारा अभी पाकिस्तान में चला गया, पुंछ से लेकर के ऊपर मुजफ्फराबाद और उड़ी के उस पार्ट तक इस्लामाबाद तक, वो जितना एरिया कबायलियों के इन्वेजन के बाद, जब उसके बाद कबायली खदेड़े गए, हमारे 1100 के करीब उस वक्त भारत की आर्मी के जवान शहीद हुए थे उस लड़ाई में, मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में, जिनको के पास्थम लसरी परमवीर चक्र दिया गया, भारतवर्ष का पहला परमवीर चक्र। तो जो एरियाज अल्टीमेटली हमने छोड़ दिए वो सारे के सारे एरियाज पंजाबी स्पीकिंग है, उसमें कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज बहुत कम है, नेग्लिजिबल। ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय शेख अब्दुल्ला थी, इनकी साइकोलॉजी में ये था कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम हमें सपोर्ट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा, और हमें इस फ्यूचर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम की मेजॉरिटी बनानी है। और एक बड़े षड्यंत्र के तहत वो जो कहने को कबायली थे लेकिन थे पाकिस्तान आर्मी के जवान, ये तो आज सर्वविदित है, हमें उस पर कहने की जरूरत नहीं, विकिपीडिया जैसी साइट्स भी उस पर डे वाइज ब्यौरा दे रही हैं कि कब कब ये हुआ। ये तो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 20 अगस्त को वहां पे पाकिस्तान में इस तरह की प्लानिंग बन गई थी और 20 अगस्त से उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी थी, और सितंबर अक्टूबर आते आते क्या हो गया वो एक अलग हिस्ट्री, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, आफ्टर गोइंग थ्रू द फैक्ट्स फॉर लॉन्ग
एंड डिफरेंट फैक्ट्स कि पुंछ में क्या हुआ, मुजफ्फराबाद में क्या हुआ, उड़ी में क्या हुआ, टिम्बर में क्या हुआ, मीरपुर में क्या हुआ, सारी जगहों में जब हम देखते हैं कि किस ढंग से स्ट्रेटेजिकली एंड विद एन इल डिजाइन हमने चीजों को इग्नोर किया, एरियाज को लूज किया, उसके पीछे एक मकसद था कि कश्मीरी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम की इस फ्यूचर जम्मू एंड कश्मीर में परसेंटेज ज्यादा रहे, पंजाबी स्पीकिंग लोग या डोगरी स्पीकिंग लोग या नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग वो कम रहे। आज भी आप नोट करें बारामूला से जब आप पाकिस्तान की तरफ चलते हैं तो उस तरफ जो पहाड़ी एरियाज हैं वो लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने उन एरियाज को लूज किया और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया जिसको हमने वापस लेना है। अभी ये एक पार्ट, वो लड़ाई जो थी प्रजा परिषद ने उसके बाद 48 में अपना आंदोलन शुरू कर दिया, शहादतें होनी शुरू हुई, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जब शहादत हुई जी, 14 लोगों की और शहादत हुई उनके साथ, प्रजा परिषद ने उस वक्त अपना वो आंदोलन टेम्परेरली स्थगित कर दिया उनकी शहादत के बाद, और केंद्र सरकार को भी शायद उस वक्त आयोटा ऑफ अकल, मैं कहूंगा थोड़ी सी अकल आई, हो सकता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत की वजह से तो आई ही, विद इन दैट कैबिनेट ओनली कुछ लोगों ने जरूर ये पंडित नेहरू को समझाया होगा कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हो आप, देश का भविष्य इस तरह से दांव पर ना लगाएं। तो शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया, लेकिन उसके साथ साथ 100% जस्टिस इन्होंने कभी नहीं किया। पहला इलेक्शन जब प्रजा परिषद को 30 में से 28 सीटों में उन्होंने नॉमिनेशन भरी, इन्होंने 13 सीटों में उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दी और अल्टीमेटली प्रजा परिषद ने बैकआउट किया, और उसके बाद सही मायने में 75 तक जितने भी इलेक्शन हुए वो सिलेक्शन थी, इलेक्शन नहीं थी, पार्लियामेंटेरियंस वर सिलेक्टेड। तो 67 तक जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि थे वो ये विडंबना थी हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, ये विडंबना थी कि यहां पर इस तरह से हो रहा था, और बिना सोचे समझे हम कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्लासेस यहां पर इंप्लीमेंट करते चले गए जिनकी ना तो जरूरत थी ना ही देश में किसी अन्य जगह पर वो इंप्लीमेंट की, सिर्फ और सिर्फ कि मुझे व्यक्तिगत रूप में किसी को अपीस करना है और उसके लिए मुझे एक फॉर्मेट डेवलप करना है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 लोग यहां से नॉमिनेट होके आ गए हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद इन्होंने जो रॉन्ग क्लासेस इंप्लीमेंट किए। मैं तो ये कहता हूं कि जो 35A वाला भी मामला है कि एक इस्लामिक मानसिकता का हिस्सा था, ये स्टेट सब्जेक्ट और उसके साथ तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन माताओं बहनों के जो बेटियों के अधिकार उस 35A ने छीने, इस्लाम में औरत को कभी भी बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। ये तो भला हो इस वक्त की सरकार का जिसने भारतवर्ष को 3 तलाक से निजात दिलाई है, ये तो इसको वस्तु समझते हैं, इक्वल पार्टनर या बराबर का इंसान समझते नहीं, ये तो शादी को भी कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं कि इतने पैसे हमने लिख दिया उसमें हक में, और उसके बाद औरत को हमने जब चाहे 2 लाख रुपया 50,000 रुपया जो लिखा हुआ कागज के ऊपर वो मौलवी ने उस पर दस्तखत किया हुआ तो पैसे देके हम कभी भी छोड़ सकते हैं, ये इंसानियत नहीं है, ये कोई 20वीं 21वीं सदी का भारतवर्ष या दुनिया नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो ये मानसिकता थी इनकी कि उस तरह के ये कानून बनाते चले गए और उन कानूनों के तहत अपनी जो कन्वीनियंस की जो चीजें थी वो इन्होंने उसमें इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी। अभी कल 2 दिन पहले की बात है J&K गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है कि CBI और CVC जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे जम्मू कश्मीर के सारे
कार्यकलाप, तो आज तक तो वो अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी अगर कोई सीबीआई जांच करवानी हो तो स्टेट से। इस तरह की बड़ी सारी चीजें थी कि इस तरह से चल रहा था। तो वो जो मानसिकता थी जब ये शेख अब्दुल्ला को 1953-54 में इन्होंने डाल दिया जेल में, और उसके बाद दोबारा से 20 साल के बाद उसको फिर से पावर दे दी, पावर देने के बाद उसका सत्ता हस्तांतरित हुई उसके बेटे को, ये कोई किंगडम नहीं थी, ये डेमोक्रेटिक सेटअप था। ये थोड़ी है कि बाप मरे तो बेटा बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने है कि किस ढंग से एक डिजाइन के तहत कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन किया गया, टिकालाल टपलू से लेकर के, और वो जिसकी नींव आपने बताया कि आजादी से पहले ही पड़ गई थी, वो कहीं ना कहीं उसका जो वो हमें 80 के दशक के आखिर में उसका एक बहुत बड़ा जी असली रूप में आकर के उसका जो जो एक उन्होंने अपनी तरफ से एक नेफेरियस एजेंडा शुरू किया था, उस एजेंडा को वो इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो गए 1989 में। बाप ने एक एजेंडा शुरू किया, बेटा उसमें कामयाब हो गया, बेटा और दामाद दोनों, या बेटे के पास सत्ता रही या उसके दामाद, जीएम शाह उसका दामाद था, फारूक अब्दुल्ला उसका बेटा था, तो वो मिल मिला करके अल्टीमेटली इन्होंने घाटी को, इन्होंने कहा कि नहीं, ये उस वक्त झंडे और उस तरह के पोस्टर्स भी लगते थे इस्लामिक राष्ट्र और ये वो जो उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक परिकल्पना थी, लाल रंग का कम्युनिस्ट जैसा झंडा जो जिसको इन्होंने तिरंगे के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की, जो आज कहीं पर है नहीं, होगा भी नहीं, इंसाफ को समय तो लगता है लेकिन हो जाता है। तो उसकी परिणति 1989 में हुई जब ये अपने मकसद के पहले हिस्से में कामयाब हो गए, और इन्होंने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को बिल्कुल क्लिंजिंग कर दिया, जैसे ऑफिशियली निकाल दिया सबको बाहर। ऑफिशियली निकालने के बाद जब वो लोग वहां से निकल आए तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एफर्ट्स इमीडिएटली इनको वापस भेजे और बसाए, नहीं नहीं इनको कहा कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे हम माइग्रेंट कॉलोनीज बना देते हैं, आप यहीं रहिए, इन अ वे एक्नोलेजिंग that migration is the only way for you। जब कोई आदमी डर करके भाग आया और उसको यहां पर हम कहें कि तुझे यही मकान देना है, तो that means government has acknowledged कि yes, वहां पर अब रहने की स्थिति नहीं है और हम भी आपको वापस नहीं भेज सकते हैं जी। तो ये इनका पीछे का माइंडसेट है, और उसी चीज को ये आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में इन्होंने बाकी जगहों पर भी इस तरह का एजेंडा चलाने की कोशिश की। तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विभिन्न संस्थाएं, राष्ट्रवादी समाज, सब लोग उनके इस डिजाइन को समझ चुके थे, और कश्मीर के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस तरह से पांव फैलाने शुरू किए और डोडा को हिंदू विहीन करने की कोशिश की। जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है पुराना, इस वक्त के वो तीन जिले हैं, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, वो तीनों जगहों को हिंदू विहीन करने की कोशिश की गई। हायर रीचेस में बड़े सारे हत्याकांड हुए, बहुत सारे लोगों को बसों से उतार उतार कर मारा गया, टेररिज्म की प्रकाष्ठा हुई वहां पर। लेकिन उस वक्त कुछ समय के लिए केंद्र की सरकार ने भी और समाज ने भी ताकत के साथ उसका विरोध किया, विलेज डिफेंस कमेटीज बनी, और जब रेजिस्टेंस उस टेररिज्म को मिली तो समाज काफी हद तक उस एक्सोडस को रोकने में कामयाब हुआ। डोडा बचाओ आंदोलन चला, डोडा को हिंदू विहीन करने की साजिशों के पर्दे फाश हुए, और उसी दौरान टेररिज्म को इन्होंने बहुत फैलाने की कोशिश की। जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर दो दो बार अटैक, अमरनाथ जी की यात्रा पर मल्टीपल अटैक्स,
यात्रा को बंद करने की कोशिश की गई। 1996 में तो सरकार जैसे यात्रा को चोरी से छड़ी यात्रा को हेलीकॉप्टर पर लेके गई और बजरंग दल ने उस वक्त इनिशिएटिव लिया। 50,000 स्वयंसेवक जब कश्मीर पहुंच गए, बजरंगी 50,000 बजरंगी जब कश्मीर पहुंच गए अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने के लिए, तब जाकर के सरकार को समझ आई कि समाज अब रुकने वाला नहीं है। ये जो इस्लामिक टेररिज्म है जिसको चाहे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और हमारे अंदर के लोग इसको साइलेंटली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, तब कुछ लोगों को ये बात समझ आई। और वो जो सामूहिक रेजिस्टेंस राष्ट्रवादी समाज की हुई है और उसके बाद उस सामूहिक रेजिस्टेंस के बाद समाज में जो चेतना जागी, उस चेतना ने राजनीतिक नेतृत्व को भी समझाया कि अब हमें आगे इस जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये जो अनडिजायर्ड प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के खामखा से जोड़े गए हैं इनको रिमूव करना होगा। एक स्मूथ रोड तो जम्मू एंड कश्मीर डेवलप करनी होगी, जिसकी परिणति पिछले साल 5 अगस्त को भारत वर्ष के पार्लियामेंट ने जब 370 की अनुचित धाराओं को एबॉलिश किया, 35A जैसी चीजों को एबॉलिश किया, एक निशान एक विधान, और उसके साथ हम बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े। मैं समझता हूं कि जो सही आजादी जो है जम्मू कश्मीर को वो 5 अगस्त 2019 को मिली है। हमें एक्सेशन अक्टूबर 2047 में हुआ, लेकिन उसने कुछ उसके बाद ये जो 2-3 साल के बाद ये जो 370 जोड़ दिया, इन्होंने दोबारा से खराबी कर दी, उसको दोबारा गुलाम करने की कोशिश की और 5 अगस्त 2019 को एक सही मायने में फाइनल आजादी हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली। पूरा हमारा एक्सेशन हुआ दोबारा से, महाराजा ने भी पूरा एक्सेशन किया था, लेकिन ये बाद में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में कुछ खिचड़ी पकी और इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह से एक जिसको कहते हैं इम्पोज कर दी है 370 की धारा की सौगात, वो वापस संविधान ने ले ली, नया अध्याय जम्मू कश्मीर का शुरू हुआ। आज एक साल होने को जा रहा है और इस वक्त आज पिछले 2 दिन से हम यहाँ जम्मू कश्मीर के निवासी सारे के सारे और इवन जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में, पिछले 2 दिन से जितने लोग शहीद हुए हैं, चाहे 1948 में शहीद हुए, चाहे 1989 से लेकर के आज तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई शहीद हुए, चाहे डोडा बचाओ आंदोलन के दौरान डिस्ट्रिक्ट डोडा में लोग शहीद हुए, चाहे अमरनाथ जी के यात्री अलग अलग समय पर शहीद हुए, चाहे जम्मू में जो अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स हुए उसमें शहीद हुए, चाहे राजौरी में लोग शहीद हुए, चाहे भारतवर्ष के फौजी पुलवामा बारामूला उड़ी कितने अटैक्स हुए उनमें शहीद हुए, 47-48 में 1100 लोग के करीब वो कबायलियों को मारने में शहीद खदेड़ने में शहीद हुए, उन 1100 लोगों ने कम से कम 6000 कबायली उनको मारा था, करगिल की वार में जो लोग शहीद हुए जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, आज भी पुलवामा और पुलवामा के बाद टेररिस्ट के साथ कम्बैट करते हुए हमारे बड़े सारे फौजी और जेएनके पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देने हेतु इस 5 अगस्त 2019 से 370 की एबोलिशन और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनने की खुशी के बाद ये 3 दिन का एक जो समय था पिछले कल परसों और आज का, इन सभी लोगों ने जिन्होंने शहादत दी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए आज तक, हम सब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन और मोटिव, कोई टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी, कोई सोशल है तो वो भी, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये 3 दिन हमने उन सब को याद करने में, उन सबको श्रद्धांजलि देने में, कृतज्ञता दिवस के रूप में, कृतज्ञता दिवस 1, कृतज्ञता दिवस 2, कृतज्ञता दिवस 3 के रूप में मनाया। अगर हम यकीनन बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनके प्रति कृतज्ञता हमें
हम लगातार जताते रहेंगे। आर्टिकल 370 का एक एस्पेक्ट बिजनेस पर भी था, और आप बिजनेस की बारीकियों को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ही सबसे बड़ा बिजनेस है। एक साल पहले से पहले, यानी 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले, उसके बाद बुनियादी बदलाव क्या आपको समझ में आया कि आया है, और जिसका असर हमें आने वाले दिनों में? अब तो खैर ये हुआ कि कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है दुनिया भर के बिजनेस पर, टूरिज्म पर, लेकिन आगे उसका हमें कोई बेहतर असर देखने को मिले इस फैसले का, वो देखिए ये जो कोरोना का पीरियड है ना, मेरी आपसे दरख्वास्त है और अपने सभी दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि इसको अपने बिजनेस और लाइफ में से जीरो पीरियड समझ के डिलीट कर देना चाहिए। इसको हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। एक हमारे पास कोई परेशानी आ गई, उस परेशानी को विल राइट इट ऑफ। इस करके कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो कभी भी लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होने वाला। वैक्सीन आ जाएगी या कोई और इलाज आ जाएगा, कोरोना चला जाएगा। असल जो बात है, मैंने जितनी भी बातें आपको कही, इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर का मुस्लिम समाज या कश्मीर का सुन्नी मुस्लिम सारे का सारा खराब है। मेरी वाबस्तगी है बहुत सारे लोगों के साथ। लीडरशिप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से उनको गलत ढंग से चीजों को रिप्रेजेंट करती है और गलत ढंग से मोटिवेट करके डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बजाय उनको इनसिक्योर करके अपनी जो राजगद्दी है उसको सिक्योर करने की कोशिश करती है, और वो कश्मीर में हुआ। उन्होंने उनको डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में नहीं लाया, उन्होंने उसको डराने वाली इनसिक्योरिटी वाली पॉलिटिक्स में रखा कि अगर आप इस जो लोटे से बाहर आ जाओगे, इस बाउल से बाहर आ जाओगे या इस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाओगे तो पता नहीं बाहर वाले लोग आके इन्वेड कर जाएंगे, दे विल बी इन्वेडिंग, दे आर इन्वेडर्स, डराने की कोशिश की। एक बात। दूसरी बात, लीडरशिप जो कश्मीर की है की रही, उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल तरीके से रूल नहीं किया, पॉलिटिक्स भी जो है लॉजिक की नहीं की, लॉजिकल कभी कोई बात नहीं की। इट वॉज अ पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स, पर्सनलाइज्ड रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो पर्सनल चॉइसेस से चलती थी, प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलती थी। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल तरीके से चलती है तो हम कहें कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जम्मू प्रोविंस के रहने वाले लोगों से या पंजाबी स्पीकिंग लोगों से ही बेइंसाफी की, ऐसा नहीं है। उन्होंने कश्मीर के भी जो रहने वाले थे जिनको उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स बनाया हुआ था, अपना वोट बैंक बनाया हुआ था ड्रा के, उनके साथ भी बेइंसाफी की। जहां तक टूरिज्म का सवाल है, कश्मीर में हम कहें कि टूरिज्म हमारा ब्रेड एंड बटर तो है ही, लेकिन ब्रेड एंड बटर से ज्यादा जो है कि हमारी पहचान टूरिज्म है, टूरिज्म से है जम्मू कश्मीर की। अब आप हैरानी की बात सुनिए कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है वो 90% पिलग्रिम टूरिज्म है। माता वैष्णो देवी जी, बूढ़ा अमरनाथ जी, मचेल माता जी, छोटा कैलाश जी, मानतलाई जी, उसके बाद कश्मीर में हम आ जाते हैं मारतंड, मारतंड के बाद कुपवाड़ा में हमारा मुझे नाम भूल रहा है कौन सा नाग है, वहां पर जब आप पूजा करते हैं तो जमीन ऐसे हिलती है जैसे डल्लब का गद्दा हिलता है, वैसे वो जमीन हिलती है कुपवाड़ा में, ठीक है जी। खीर भवानी, बारामूला है ही मंदिरों की नगरी, ठीक है। पांडवों के जो पांपोर के आगे थोड़ा सा पांडवों की जगह है, फिर श्री अमरनाथ जी, शंकराचार्य, ठीक है। इस सब में से जो अगर 100 में से 90 लोग पिलग्रिम जाते हैं, उन 90 में से 80 लोग जो है केवल मात्र वैष्णो देवी में आते हैं। लेकिन हमने पॉपुलराइज किसको किया? वैष्णो देवी कटरा में है, जम्मू से 50 किलोमीटर दूर, डिस्ट्रिक्ट रियासी में, पहले वो उधमपुर रियासी जिला हुआ था, होता था।
2014 के आसपास वहां 1 करोड़ टूरिस्ट एक साल में आया, और अभी भी उसकी संख्या 90 लाख के आसपास रहती है हर साल। जो लेयर टूरिस्ट है, जो कि डिवाइड होता है 3 एरियाज में, अपनी टॉप, भद्रवा और कश्मीर, उसकी टोटल संख्या 10-12 लाख रहती है साल की, 10-12-15 लाख। लेकिन हम जानते कैसे हैं जम्मू कश्मीर को बाहर फॉर लेयर टूरिज्म इन कश्मीर? मुझे बताइए, 1 करोड़ टूरिस्ट में से हम 7-8 लाख जहां पे आते हैं, हमने सिर्फ उस एरिया को पॉपुलराइज करने की कोशिश की, और उसमें भी आगे जो सब रीजनल भेदभाव, कि ये जो रूलिंग एलीट थी ना उस वक्त की सारी की सारी, उनकी कंसंट्रेशन और फोकस था 2 जगह पर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साउथ कश्मीर में। और अनंतनाग में उन्होंने सिर्फ पहलगाम को डेवलप होने दिया, और वहां पर श्रीनगर और श्रीनगर के साथ आगे गुलमर्ग 40-50 किलोमीटर। मुझे आप बताइए, जिस जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, 20 में से 10 जिले वैली में हैं, बारामूला में सबसे ज्यादा मंदिर, ठीक है, हम 20 जिलों में से केवल 3 जिलों में 3 टूरिस्ट प्लेसेस को भी हम को ही हमने लेयर टूरिज्म के लिए डेवलप होने दिया, बाकियों को उठने नहीं दिया, खड़े नहीं होने दिया। क्यों? वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो के इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड थी, जो के प्रोफेशनल नहीं पर्सनल थी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज और अपना जो सब जिसको आप इकोनॉमिक बेनिफिशियरीज, उन्हीं 3 जगह पे डेवलप किए। उन्होंने कहा यही चलने दो, दूसरी जगह पे डेवलप हो जाएगी और लोग भी 4 अमीर हो जाएंगे, उनको खड़ा ही नहीं होने दिया। और क्योंकि उनके मन में डिस्क्रिमिनेशन थी बाकी रीजन्स के लिए, तो उन्होंने कभी भी भगवान शिव की जहां शादी हुई है मानतलाई में, उसको नेशनल टूरिज्म के मैप पे नहीं आने दिया। उन्होंने शिवखोड़ी जैसी जगह जहां के भगवान शंकर की वो गुफा है, उसको नेशनल मैप पे नहीं आना दिया। उन्होंने बसोली, जो कि पेंटिंग्स हैंडीक्राफ्ट्स उसका घर है, पांडवों के समय का वो वहां पे मंदिर है बसोली और बिलावर में, उनको नेशनल टूरिज्म के मैप पे नहीं आने दिया। उन्होंने रंजीत सागर डैम जैसी वाटर बॉडी को, या चिनाब की वाटर बॉडी जो के रामबन और चंद्रकोट के बीच में डेवलप हुई है, उसको नेशनल टूरिज्म के मैप पे नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जाती प्रॉपर्टीज वहां पर नहीं थी। अगर शेख अब्दुल्ला की फैमिली की कोई जाती प्रॉपर्टी यहां भी होती बसोली में, तो शायद वो भी डेवलप हो गया होता, ऐसा था नहीं, इस करके उन्होंने उसकी जरूरत नहीं समझी। तो ये एक, अगर हम एनालाइज करना चाहें, इन्होंने एक नैरेटिव धीरे धीरे पैदा हुआ लोगों के मन में कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू प्रोविंस के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 20 में से 17 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भेदभाव हुआ, केवल 2-2.5 डिस्ट्रिक्टों को ही इन्होंने टूरिज्म के लिहाज से पॉपुलराइज किया। इन्होंने कहा कि जो मनी स्पेंडिंग टूरिस्ट है वो सिर्फ वहां पे आए, और बाकी जो पिलग्रिम्स हैं बाकी जगह पे फैलते रहे। अमरनाथ जी की यात्रा सारा साल चल सकती है, अगर गुलमर्ग सारा साल वहां पर हम अफराबाद की टॉप पे जा सकते हैं, जो कि अमरनाथ जी से ज्यादा ऊंचा है, और वहां पर हम सारा साल केबल कार चला सकते हैं, तो अमरनाथ जी में भी चला सकते हैं, अमरनाथ जी की हाइट उससे कम है, लेकिन शायद अमरनाथ जी की यात्रा चलने से सारा साल सोनमर्ग डेवलप हो जाता, सोनमर्ग के लोग जो वहां पर गुजर हैं वो अमीर हो जाते, वो इन शेखों को, शेख फैमिली को गवारा नहीं होगा, इन मुफ्तियों को गवारा नहीं होगा। तो इस करके अमरनाथ जी की यात्रा को रेस्ट्रिक्ट करने की एफर्ट्स इन्होंने शुरू कर दी। अगर कौशरनाथ की यात्रा चलती है तो रियासी और सोपोर इन सब लोगों को फायदा होता है, पिलग्रिम वहां जाता है, तो क्यों फायदा हो? हमें फायदा तो सिर्फ वहीं चाहिए, गुप्कार रोड के आसपास श्रीनगर में।
तो इस ढंग की राजनीति इन्होंने की, इस ढंग से इन्होंने उसको निचोड़ा सारा जो डेवलपमेंट फंड था पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, और उसको लेकर के लोगों में रिजेंटमेंट भी आई और लेकिन एक फायदा भी हुआ, लोगों को समझ आई कि ये जो 370 धारा की जो धाराएं यहाँ पे इनके पास हैं अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए करप्शन से, और उसके साथ साथ 35 जैसी चीजें हैं और इसके और भी कानून हैं इनके पास, वो सिर्फ इनको अपनी करप्शन को शील्ड करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, और इस वजह से ये डेवलपमेंट होने ही नहीं देना चाहते। ये चीजें 5 अगस्त 2019 के बाद खुलकर के सामने आई हैं। बहुत सारी धाराएं जो हैं इस प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने अमेंड भी की हैं, आगे भी करेंगे जो इनकी नजर में आ रहा होगा। तो इस करके जो इकोनॉमिक बात है, अब मैं आगे आता हूं, मैं जो आपको जहां से मैंने शुरू किया था कि आम कश्मीरी मुस्लिम, चाहे वो सुन्नी है चाहे वो शिया है, उसके मन में ऐसी कोई चलाकी नहीं है कि उसको डराया गया है। अब चलाकी नहीं है, अगर चलाकी होती तो मुझे बताइए कि वो कश्मीरी मुस्लिम जाकर के अपनी दुकानें कोलाबा, बॉम्बे, गोवा और दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, हर जगह क्यों सेट करता? क्योंकि वो व्यापार करना चाहता था, उसने व्यापार किया जी। अब देखने की बात यह है कि अगर आप जैसे बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया के पास का एरिया जो कोलाबा है, और वहां मैक्सिमम 5-स्टार होटल्स भी हैं, ताज होटल भी है, ओबराय ट्राइडेंट है, बड़े सारे होटल्स हैं, होटल्स में शॉपिंग आर्केड्स हैं, बाहर भी शॉपिंग आर्केड्स हैं, और आप देखेंगे कि अगर हैंडीक्राफ्ट्स की जितनी भी दुकानें वहां पर हैं, 90% मेरे कश्मीरी भाइयों की है। बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ और बहुत ही खलूस के साथ, भाईचारे के साथ वो लोग वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। बॉम्बे के क्लाइंट को भी वो सामान बेच रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट को भी बेच रहे हैं। आप सर्दियों में देखें, कलकत्ता में जितने लोग शाल बेचते हैं वो हमारे कश्मीरी दोस्त होते हैं, गोवा में हमारे कश्मीरी भाइयों की दुकानें हैं। अगर उनके मन में जाति तौर पर ऐसा होता हमने यहां कश्मीर की बजाय पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना है या किसी इस्लामिक राष्ट्र का हिस्सा बन जाना है, तो वो बॉम्बे जाकर दुकान खोलते? कभी नहीं खोलते। वो डराने वाली जमात एक अलग थी। और दूसरी बात, अब मैं रेसिप्रोकल बात करता हूं, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में देखिए, ग्रेटर कैलाश में मेरे सारे बड़े सारे कश्मीरी दोस्तों के होटल्स भी हैं, बहुत सारे कश्मीरी ने वहां पे मकान लिए हैं। अगर मेरा कश्मीरी दोस्त, कश्मीरी भाई जो श्रीनगर का रहने वाला है या किसी और जगह का रहने वाला है, वो दिल्ली में ग्रेटर क्लास में बैठ करके एक होटल या रेस्टोरेंट रन कर सकता है, तो दिल्ली का रहने वाला या बॉम्बे का रहने वाला या कोई बंगाल का रहने वाला वहां बारामूला में या श्रीनगर में या अनंतनाग में या गुलमर्ग में या कोसरनाग में या बूढ़ा अमरनाथ पे या वैष्णो देवी में क्यों अपना होटल नहीं खोल सकता? क्यों अपना लोकल हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे नहीं बेच सकता? क्यों कोई बॉम्बे का मेरा सज्जन अपने पाव भाजी जैसी चीज की दुकान यहाँ नहीं खोल सकता? मुझे बताइए, ये तो एक बराबरी की बात है ना। जब आप मुझे होस्ट कर सकते हैं तो मुझे आपको होस्ट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों को डराया गया कि वो आएंगे तो इन्वेजन हो जाएगा, आप जाओगे तो कोई बात नहीं है, आपका जाना जो है आपका राइट है, उनका आना इन्वेजन हो जाएगा, वो इन्वेजन है। क्या उनके सिर पे सीट लगे? अगर उनके पास पैसे हैं, उनके पास क्षमता है, उनके पास पुरुषार्थ है, तो वो भी डल लेक में अपने हाउस बोट बनाए, वो भी डल लेक के सामने बुलवर्ड रोड पे अपना होटल बनाए, वो भी जम्मू में आकर इंडस्ट्री लगाए और बराबर के राइट्स के साथ लगाए। अगर वो व्यवस्था इसके लिए इनको समझाया गया, इतनी जो प्री 370 एब्रोगेशन वाली व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी, तो फिर ये लोग बाहर क्यों गए काम करने के लिए? यही रहना चाहिए था फिर तो उस वक्त रोकते ना कि हमारा कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा जी, हम सबको यहीं पे दे रहे हैं रोजगार, यहीं पे प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। और इसके साथ मैं एक और चीज कहता हूं, इन्होंने सर्टेन टर्म्स के साथ इंडस्ट्री को खोला, यहां पर सर्टेन टर्म्स के साथ इंडस्ट्री को खोलने का मतलब यह है
कि जब कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे आता है उसको ये कहते हैं आपको लीज पर जगह दे देते हैं। वो आदमी आकर के लीज पे जगह ले लेता है। जब वो लीज पे जगह लेता था उसके बाद वो कहता था कि अब मैंने क्योंकि यहाँ फैक्ट्री लगाई है, यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, यहाँ बिजनेस सेट किया है, तो अब मैं यहीं का हो गया, तो अब मुझे मकान भी लेना है। तो मकान लेने के लिए उसको मना कर दिया जाता था कि भाई तू यहाँ मकान नहीं खरीद सकता, तेरी चाहे 5 जनरेशन यहाँ पे रहे तो तूने किराए पे रहना है, जितनी देर तू फैक्ट्री चलाना चाहता है तू चला ले, उसके बाद यहाँ से क्या ले जाएगा हम अपने पास रख लेंगे। तो उस चक्कर में जो आदमी जो इंडस्ट्री बाहर से आता था वो पूरे मन से नहीं आता, वो उतनी देर के लिए आता था जितनी देर के लिए उसको इंसेंटिव मिलते थे। वो किस ढंग की इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही थी, जैसे किसी ने बाहर से इंडस्ट्री लगाने के लिए आना है वो देखता है किस इंडस्ट्री के लिए यहाँ इंसेंटिव मिल रहा है, वो उस साइज की एक शेड बनाता है, उसमें चादरों के ऊपर नंबर भी लगाता है, वो शेड लेके यहाँ आ जाता है, इंडस्ट्री यहाँ पे रजिस्टर करता है, वो 5 साल का इंसेंटिव है, इंसेंटिव लेता है और अपना बाहर ही रखता है जहां से भी वो आ रहा है, और जिस दिन इंसेंटिव खत्म होता है वो अपनी शेड पूरी की पूरी उठाता है, वाइंड अप करता है, वापस चला जाता है। हमारी इकोनॉमी को तो कोई फायदा नहीं होता। जब एक आदमी से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आकर के इंडस्ट्री लगाए, यहाँ पर आके बिजनेस खोले, उसको यहाँ पर रहने का राइट क्यों नहीं देंगे हम, उसको मिलना चाहिए, उसके बच्चे यहाँ पे नेचुरली नेचुरल सिटीजन क्यों ना बने, उसका बच्चा जब यहाँ स्कूल में पढ़ेगा तो उसके बाद वो यहाँ पर अगली बड़ी क्लासेस में एडमिशन लेने का हकदार होना चाहिए, यहाँ पर नौकरियों के लिए कम्पीट करने का हकदार होना चाहिए। तो ये सारे राइट्स उस वक्त नहीं थे। अब पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5th अगस्त 2019 ये सारी चीजें दूर हो रही है। जो यहाँ पर आएगा वो इस धरती को अपनी माँ समझ के यहाँ पर पक्का बैठने के लिए आए, उसको खो के जब जो बिजनेस में यहाँ एस्टेब्लिश करूंगा वो मेरा ही रहना है, मैं अपने बच्चों को यहाँ पर एज ए नेचुरल सिटीजन एडजस्ट कर सकता हूं और मुझे बाहर का नहीं समझा जाएगा, फिर वो दुगनी ताकत के साथ यहाँ की इकोनॉमी को नरिश करने की कोशिश करेगा। जब आदमी के मन में ये होता है कि मुझे कभी ना कभी वापस जाना है, वो उतनी ताकत नहीं लगा सकता। और तीसरी बात मैं एक और आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से समाज को भी कहना चाहता हूं, वो ये है, आज भी जबकि जो पुराने रूलर्स थे और जो पुराने रूल्स थे 370 वाले, जिसमें कि हमने रेस्ट्रिक्ट की थी बाहर के लोगों की एंट्री यहां पे, जम्मू कश्मीर का जो यूथ है सारे का सारा, अगर आप एक सर्वे करेंगे छोटा सा, जितने भी आपके मेट्रोज हैं, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, पुणे, आप देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा यूथ जो है वहां पर नौकरियां कर रहा है मिड लेवल की, और जम्मू कश्मीर में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उन ग्रेजुएट्स में से 50% से ज्यादा उन मेट्रोज में जाकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? उन सभी जगहों पे जहां 370 जैसी कोई धारा नहीं है, जहां पर आकर के काम और नौकरी करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पर जाकर के प्रॉपर्टी खरीदने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर जिस जगह पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारा बच्चा वहां पर जाकर के अपने लिए नौकरी ढूंढ सकता है, अपने लिए फ्लैट खरीद सकता है, और वहां के लोगों को इससे इनसिक्योरिटी भी कोई नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर ओपन किया गया है फील्ड सबके लिए, आइए और काम करिए, अपने टैलेंट को एक्सपोज करिए, कंपटीशन को बढ़ाइए सो दैट क्वालिटी कम्स आउट, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज वहां पे है, इंस्टेड ऑफ जिस जगह पे हमने बैरियर्स लगा दिए कि आप बाहर से मत आइए, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू कम्पीट विद अस, वहां पे अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं हुई सर। तो इस चीज को जम्मू कश्मीर की जनता को भी समझना चाहिए, मेरे कश्मीरी भाइयों को भी समझना चाहिए जो कभी कभी शुरू में थोड़ा बहुत अपोज कर रहे थे, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो अभी भी इस एब्रोगेशन ऑफ 370 से अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को चाहिए
कि इन इश्यूज को लेकर के उनके साथ सामने सामने डिबेट करें, उनको कन्फ्रंट करें कि भाई आप हमें गलत क्यों पढ़ा रहे थे। दे हैड मिसलेड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर लॉन्ग, और आज चीजें एक्सपोज हो गई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहरहाल अब ये मौका, एकात्मता पूरी हो चुकी है, कृतज्ञता हम लोग जता ही रहे हैं। अब संकल्प का समय है और संकल्प सरकार को भी लेना है, जो कार्यकर्ता वहां सामाजिक ताने बाने में जुड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए संकल्प का समय है और हम सब के लिए संकल्प का समय है कि एक बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे और आगे भी हम किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वो विकास की राह पर, तरक्की की राह पर आगे बढ़े, उसके क्या क्या सोपान होने चाहिए, उस पर आगे चर्चा आपसे करते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद अदीप जी। एक बैच में संकल्प की बात भी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कृतज्ञता तो हमको जतानी ही थी और कृतज्ञता हमने जताई है और आगे संकल्प का भी समय है। आपके माध्यम से समाज में एक बात और भेजना चाहता हूँ कि एक नैरेटिव गलत उन लोगों के द्वारा जो कि पुराने सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, जिनको एक साल से ये लगा कि वो बेनिफिट समय खत्म हो गए बिकॉज दे वर स्क्वीजिंग द सिस्टम लाइक एनीथिंग, एक नैरेटिव उनकी तरफ से फैलाने की कोशिश की जा रही है जी एक साल हो गया जी हमको क्या मिला, एज इफ कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ 370 सबके अकाउंट्स में आ जाना था। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि टेररिज्म का जो ग्राफ बढ़ रहा था और उस ग्राफ के चलते कश्मीर से तो हिंदुओं की माइग्रेशन हो ही गई थी, उसके साथ साथ बड़े सारे मुस्लिम परिवार भी कश्मीर से, उन्होंने अल्टरनेट होम्स यहाँ पे जम्मू और दूसरी जगहों पे बनाए, और समय आ गया हुआ था पिछला 2018-17 इवन 19 तक के जम्मू में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि सूनर और लेटर वी मे हैव टू माइग्रेट, और उन्होंने चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, मुंबई अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक छोटे मोटे फ्लैट और प्लॉट देखने शुरू कर दिए थे और बड़े सारे लोगों ने वो प्लॉट लेने शुरू कर दिए थे। इमीडिएटली आफ्टर एप्रोकेशन ऑफ 370 ऑन 5th अगस्त 2019 75% प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि जलंधर और दिल्ली में जम्मू के लोगों को अपने छोटे छोटे फ्लैट्स बेच रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो गई, इस करके बंद हो गई है कि राष्ट्रवादी समाज जो है उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं अब यहां पर कोई कानून ऐसा नहीं है जो हमें डिस्क्रिमिनेट करता है किसी जगह पे और हमने इस जगह को छोड़ करके नहीं जाना, हमने यही रहना है राष्ट्रवादियों ने, तो वो कॉन्फिडेंस। और उसके बाद 70 सालों का जो नाइंसाफी हुई है उसमें अभी तो गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है वो नाइंसाफियां ढूंढ रही है, एक साल में बड़ी सारी चीजें हुई हैं लेकिन ये 2-4 साल में बड़ा बेहतर रिजल्ट आने वाला है और समाज को धैर्य से उसके रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, बड़ी जल्दी से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। 70 साल का जो बेइंसाफी का समय था वो एक साल में उसने बहुत उसको कंटेस्ट कर लिया है, बड़ी चीजें सामने आई हैं, बड़ी चीजें ठीक हुई हैं, अगले 2-4 साल में ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, एट पार हमारी डेवलपमेंट आ जाएगी जो इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ऐसा मेरा मानना है और ये संदेश आपके माध्यम से जाना चाहिए। यकीनन सर, विकास का अगर कॉन्फिडेंस आया है और उस कॉन्फिडेंस के पर सरकार को अब खरा भी करना है। बहरहाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे चर्चा, बेहतर चर्चा के लिए आगे भी आपसे लगातार मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।